हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं कल्पना मिश्रा आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। अगर आपको मुझे मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। मैटर मीन्स होता क्या है, व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर का मतलब होता है जो हमारे आसपास, शुद्ध इसकी जो हिंदी है वो है पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ में अब क्या क्या आता है, जो भी हमारे सामने कोई भी चीज़ है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ले लो बुक, पेन, पेंसिल, समथिंग्स, हर कोई चीज़ जो भी हमारे हैं, सब चीज़ें क्या है आसपास की, वो क्या है, मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। तो हम पढ़ेंगे हमारे चारों तरफ के पदार्थ के बारे में कि हमारे चारों तरफ जो है पदार्थ वो कौन कौन से पदार्थ हैं। और मैटर मीन्स होता क्या है, मैटर है जिसमें कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो है जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जिसका कोई मास होता है, उसे बोलते हैं मैटर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मास क्या होता है। मास, मास को जो है ऐसा यूनिट उसकी होती है किलोग्राम। अगर हम मास, एक निश्चित क्वांटिटी होती है, एक निश्चित यूनिट होती है, अगर हम उसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने बुक ले ली, अगर बुक का मास जो है वो 10 kg है या 2 kg है, तो उस 2 kg की बुक को अगर हम मून पर लेके जाएं या एवरीथिंग किसी भी प्लेनेट पर लेके जाएं, तो उसका जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मास एज इज सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं, मास। और मैटर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसे कहते हैं मैटर। तो ये मैटर है। मैटर जो है यहाँ पर हम सेकंड पैरे में आप देखिए कि सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बींग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जो पहले के लोग थे वो इन चीज़ों को देखते थे, समझते थे, तो उन्होंने देयर इन सराउंडिंग, अपने चारों तरफ को देखा। अर्लियर इंडियन फिलोसफियर जो थे वो क्लासीफाई किए उन्होंने मैटर को द फॉर्म ऑफ द 5 basic elements। 5 basic elements पे किया था। तो वो उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, पंच तत्व। क्या नाम दिया था उनको, पंच तत्व। वो पंच तत्व कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मीन्स उनका ये कहने का मतलब तो है कि जो हमारा चारों तरफ वातावरण है ये इन पांचों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए उन्होंने वो उसको नाम दे दिया पंच तत्व। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे एटमोसफेयर में उसे कहते हैं, वो जिस भी चीज़ से मिलकर बनी है तो वो है पंच तत्व। अगर इन पांचों में से कोई भी चीज़ कम हो तो किसी भी लिविंग थिंग्स को हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। ये पांच जो है बेसिक एलिमेंट है। तो ये बेसिक एलिमेंट के बारे में एक ग्रीक के फिलोसफर थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, तो जो इस टाइम के मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैव द इवॉल्व 2 types ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने मैटर को 2 type से क्लासीफाई किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और एक केमिकल नेचर के हिसाब से। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ेंगे कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी से मैटर क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी से मैटर क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।